हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर विशेष ऑनलाइन क्लासेस एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स। यदि दोस्तों आप डेली करंट अफेयर इंग्लिश हिंदी मैथ रीजनिंग की क्लासेस लेना चाहते हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे दिसंबर 2017 का करंट अफेयर, ठीक है। हाल ही में किस राज्य में सी पैड योजना शुरू की गई, या दोस्तों केरल में सी पैड योजना शुरू की गई। कौन से राज्य में शुरू की गई, सी पैड केरल में शुरू की गई, ठीक है। उसके बाद सेकंड प्रश्न आता है, हाल ही में किसे लगातार छठी बार पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी का अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है। महबूबा मुफ्तवी को चुना गया है, पीडीपी का अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है, छठी बार चुना गया है, ठीक है। अब चार नए मंत्री भी बनाए गए हैं। हम थोड़ा पुराना करंट अफेयर पर चलते हैं, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चार नए मंत्री का पदोन्नत किया गया है, कौन कौन से हुए चार नए मंत्री उनके बारे में डिस्कस करते थे। सबसे पहले आता है पीयूष गोयल आता है, ठीक है, पीयूष गोयल। फिर धर्मेंद्र प्रधान आता है, ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान। और फिर आता है धर्मेंद्र प्रधान और निर्मला सीतारमण, ठीक है, और उसके बाद आता है मुख्तार अब्बास। ये मुख्तार अब्बास चार नए मंत्रियों का पदोन्नत किया गया, ठीक है, और नए नॉन मंत्री बनाए गए, ठीक है। पीयूष गोयल को कौन सा मंत्रालय दिया गया, रेल मंत्रालय दिया गया, ठीक है, इसको रेल मंत्रालय और कोयला मंत्रालय दिया गया। धर्मेंद्र प्रधान को प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया, ठीक है। निर्मला सीतारमण पहली बार किसी लेडीज़ को रक्षा मंत्रालय बनाया गया। इससे पहले इंदिरा गांधी रह चुकी है कोई रक्षा मंत्री हमारे देश में, लेकिन वो स्वतंत्र प्रभार नहीं थी, ठीक है। निर्मला सीतारमण पहली बार वो बनी, ठीक है। मुख्तार अब्बास को अल्पसंख्यकों का केंद्रीय मंत्री बनाया गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता की लंबी लंबी बीमारी के बाद 79 साल में निधन होगा, ठीक है, शशि कपूर का निधन होगा हाल ही में, ठीक है। इसको दो अवार्ड भी दिए गए थे, पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया, ठीक है। इसके बाद आता है क्यूस ग्लोबल एमबीए रैंकिंग 2018 में भारतीय प्रबंध संस्थान आईआईएम अहमदाबाद को शीर्ष संस्थानों में किस स्थान पर रखा गया, ठीक है, 49वें स्थान पर रखा गया, 49वें स्थान पर रखा गया, ठीक है। उसके बाद आता है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया, दिया मिर्जा, ठीक है, दिया मिर्जा को नियुक्त किया गया, ठीक है। पर्यावरण सद्भावना राजदूत के रूप में पर्यावरण सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, दिया मिर्जा को नियुक्त किया गया, ठीक है। हाल ही में दो भारतीयों को संयुक्त राष्ट्र यूएन ओजोन अवार्ड से नवाजा गया है, ठीक है, दो भारतीयों को नवाजा गया, कौन कौन से हुए, अनिल माधव और चंद्र भूषण, ठीक है। इनको किस किस क्षेत्र में वो मतलब दिया गया है, ये दिवंगत केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री अनिल माधव को दिया गया, ठीक है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट के लिए चंद्र भूषण को दिया गया, ठीक है। उसके बाद आता है, भारत के 48वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला पुरस्कार किसे दिया गया, ठीक है, पार्वती थिरुवोत कोट्टुवुत्तुता, ठीक है, पार्वती थिरुवोत कोट्टुवुत्तुता को दिया गया, ठीक है, यह साउथ की है, ठीक है। इसके बाद आता, हाल ही में भारत एवं किस देश की सेना के मध्य संयुक्त युद्ध अभ्यास अजय वॉरियर 2017 प्रारंभ हुआ, ठीक है, यूके के बीच और भारत के बीच हुआ है, ठीक है, यूके, और आजकल ये सेना अभ्यास काफ़ी फेमस चले हुए हैं, ठीक है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना हुआ, ठीक है। इसके बाद आता है, हाल ही में भारत के किस शहर में देश का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट लगाया गया है, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये केवल उन क्वेश्चन को मैं केवल उन क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये उनमें से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों, ये एग्जाम में आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है, ठीक है। इसका आंसर है वायनाड केरल में, ठीक है,
वायनाड केरल में सोलर प्लांट लगाया गया, तरतावा सोलर प्लांट केरल में लगाया गया, ठीक है। उसके बाद आता है दिव्यांग व्यक्तियों के लिए दुनिया का पहला आईटी परिसर किस भारतीय राज्य में स्थापित किया गया है? तेलंगाना में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पहला आईटी परिसर स्थापित किया गया, ठीक है। किस में स्थापित किया गया? तेलंगाना में स्थापित किया गया। उसके बाद आता है भारतीय मूल की किस महिला नेता को अमेरिका की पहली महिला सिख मेयर घोषित किया गया है? प्रीत डिडबल को घोषित किया गया, ठीक है। किसको? प्रीत प्रीत डिडबल, इसको ट्रिक भी बना सकते हैं, प्रीत 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 को कैसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। प्रीत डिडबल, ठीक है, ट्रिक बना के भी वैसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। हाल ही में ईरान में आयोजित एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप में किस देश की महिला और पुरुष टीमों ने स्वर्ण पदक जीते हैं? भारत ने, ठीक है। ओके में भी एशियाई हॉकी में भी, ठीक है, भारत ने ही मेडल जीते हैं, ठीक है। और एक 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 और करंट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ मैं। मानसी छिल्लर को 2000 के बाद मिस वर्ल्ड बनने का चांस मिला, ठीक है। मानसी छिल्लर हरियाणा हरियाणा में बहादुरगढ़ झज्जर से बिलोंग करती है, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है, ठीक है। उसके बाद आया है हाल ही में केंद्रीय लोक सेवा आयोग में सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है समीता नागराज, नागराज नागराज को नियुक्त किया गया है। इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, किसे नियुक्त किया गया? नागराज को नियुक्त किया गया, ठीक है। उसके बाद आता है हाल ही में केंद्रीय सरकार ने सरदार पटेल ग्लोबल सेंटर फॉर सिक्योरिटी काउंटर टूरिज्म को किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई है? जयपुर में घोषित करने की घोषणा की गई है, ठीक है। सरदार पटेल ग्लोबल सेंटर फॉर सिक्योरिटी काउंटर टूरिज्म, ठीक है। उसके बाद प्रश्न आता है हाल ही में भारतीय मुद्रा के किस नोट ने 100 साल पूरे कर लिए हैं? एक रुपये ने पूरे 100 साल पूरे कर लिए हैं, ठीक है। एक रुपया वैसे बहुत कम देखने को मिलता है, एक रुपया, ठीक है। एक रुपये का नोट लिखा गया है यहाँ पे, ना कि एक रुपये का सिक्का, ठीक है। नोट नोट ने पूरे 100 साल कर लिए, ठीक है। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों प्लीज़ कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है, ताकि आपको नई से नई क्लास के बारे में जानकारी मिल सके। थैंक यू।